छिंदवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जुन्ना देव एटीएम चोरी के अंतर्राज्यीय हरियाणा के मेवाती गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल मामला छिंदवाड़ा के जुन्ना देव विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले एक साथ 3 एटीएम में चोरों ने लगभग 67 लाख रुपए की सेंध लगाई थी, जिसमें पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया था, जिस पर महानिरीक्षक जबलपुर जोन विवेक शर्मा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। वहीं इसी के आधार पर 4 आरोपियों को महाराष्ट्र छिंदवाड़ा राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर और भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जुनारदेव कस्बे में 24-25 जुलाई की दरमियानी रात में 3 जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में गैस कटिंग का उपयोग करके लगभग 66 लाख रुपए चोरों ने उड़ा लिए थे। बहुत बड़ी घटना थी और हम लोगों का प्रयास था कि इस घटना को जल्दी से ट्रेस किया जाए। घटनास्थल के 3 एटीएम से हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण CCTV फुटेज मिले थे। उन फुटेज और वहाँ पर यह भी ज्ञात हुआ कि एक आर्टिका कार का उपयोग हुआ। इस जानकारी को हम लोगों ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया था, जिसमें से हमें सूरत जिले के इच्छापुर थाने से भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि घटना के एक दिन पूर्व 23 जुलाई की रात में सूरत से भी इसी तरह की एक घटना हुई, जिसमें लगभग 14 लाख रुपए बदमाशों द्वारा गैस कटर का उपयोग करके चुराया गया था। इस घटना में एक आर्टिका कार का उपयोग सूरत में भी हुआ था, साथ ही इसी कार का उपयोग जुनारदेव में भी हुआ था। हम लोगों ने इसमें एक टीम भेजी जो सूरत गई और सूरत के साथ साथ बीच के रास्तों को भी आइडेंटिफाई किया, तो पता चला कि हरियाणा के पासिंग की एक आर्टिका कार थी जो दोनों जगहों पे घटना में शामिल थी।